हाय एवरीवन, अभी आपने देखा होगा कि BTC का प्राइस लगभग 6-7% से सडनली बढ़ा और इसकी वैल्यू लगभग $66,000 तक पहुंची है, जो कि ऑलमोस्ट $67,000 तक भी गई है आज के दिन। यानी कि एक बहुत ही सडन पंप देखने को मिला हमें यहाँ पे, जो $66,000 के आसपास है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमारा जो पहले का ऑल टाइम हाई है, जो कि $73,700 का हाई है, वो भी क्रॉस होने वाला है। एंड ओवरऑल BTC अभी टारगेट कर रहा है $84,000 को, और ये इनसाइट्स आए ग्लासनॉट के कोफाउंडर्स के द्वारा। तो एक्चुअल में मार्केट में अभी काफी सारी अच्छी अपडेट्स हैं। तो एक तो आपको बताऊंगा नॉटकॉइन की लिस्टिंग के बारे में, जो कि अभी आया था बाइनेंस के ऊपर। दूसरा ये कि बाइनेंस की आपको पता ही होगा कि अभी लीगली लॉन्चिंग दोबारा से होने वाली इंडिया में। एंड तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करने वाली है वो ओवरऑल मार्केट को, जो भी मार्केट को बुलिश करने वाली है, वो है FTX की जो रीपेमेंट होने वाली है। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम डॉजकॉइन का अपडेट डाल चुके हैं, अभी डॉजकॉइन की भी अपडेट दे देता हूँ कि इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो मंथली हाई हिट हो चुका है, और अभी फॉरकास्ट यही है कि लगभग 100% तक का यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलने वाला है डॉजकॉइन में। तो ऐसी कुछ अच्छी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, तो टेलीग्राम हमेशा ज्वाइन करके रखो। अभी वापस आते हैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं BTC का प्राइस $66,000 से ऊपर चल रहा है, इथेरियम $3,000 को क्रॉस कर चुका है, और इसी दौरान अगर हम किसी मीम कॉइन की बात करें तो वो अभी बुक ऑफ मीम के नाम से जो कॉइन है, बोम के नाम से, वो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में पहले न्यूट्रल चल रहा था 50 के आसपास, और अभी ये 61 तक आ चुका है, यानी कि ग्रीड वापस से आना शुरू हो चुका है। यही कारण है कि BTC अभी बढ़ना शुरू हो चुका है, मार्केट कैप 2.4 ट्रिलियन के आसपास आ चुका है। तो हाविंग तो जा ही चुकी है, यानी कि ऑलरेडी हो चुकी है। अभी जो मेजर अपडेट आया है वो ये है कि FTX की जो रीपेमेंट्स होने वाली हैं, वो आपको पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि ये रीपेमेंट करने का सोच रहे हैं, जिसमें ये लगभग 118% रिकवरी देने वाले हैं, यानी कि जिनका 100 लगा था उनको 118 मिलेंगे। तो अभी जो FTX की रीपेमेंट होगी $14.5 बिलियन की होने वाली है, ये कैश में होने वाली है। तो पहले क्या था कि एक्सचेंज की बैंकरप्टसी के कारण बहुत बड़ा लॉस हुआ था, FTT टोकन को भी लॉस हुआ था, लेकिन FTT टोकन आप देख रहे होंगे बहुत लंबे समय से स्टेबल ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे माउंट कॉक्स की बात करें तो $8.9 बिलियन उनका भी है, जिमनी का बात करें तो उसका $1.7 बिलियन है। सिमिलरली FTX सबसे बड़े स्कैम्स में से एक बोल सकते हैं, या फिर सबसे बड़ी बैंकरप्टसी इन्होंने फाइल करी थी, जो कि $14.5 बिलियन अभी ये भी पे करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी पॉजिटिव अपडेट्स हैं जिससे क्या कि मार्केट फिर से बुलिश होती जा रही है, क्योंकि अगर इतने बड़े लॉस हुए थे पिछले कुछ समय में, तो अब वो लॉस कवर करके इनको वापस भी दिए जा रहे हैं। तो यही चीज़ है जो कि हमें क्रिप्टो मार्केट में ही देखने को मिलती है, जिसमें लॉस हमें 1000% का पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है प्रॉफिट 10,000% तक का भी हो जाए। तो एक्चुअल में पॉसिबिलिटी क्या है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी इसी के साथ साथ अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो इंडियन एक्सचेंजेस में से एक अभी पहले क्यूकॉइन ऐड हुआ था, अभी बाइनेंस भी इंडियन एक्सचेंजेस में आने वाला है, क्योंकि FIUI की रेगुलेशंस को ये अभी कंप्लाई करना शुरू कर चुके हैं, इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, वो आपको पहले भी अपडेट मिल गया होगा। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को अगर ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो यहाँ पे बाइनेंस शुरू होने वाला है, लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा ये भी है कि आपको TDS एंड टैक्सेस भी देने पड़ेंगे अगर आप बाइनेंस जैसा एक्सचेंज यूज़ करते हो तो। अभी तक जो बाइनेंस है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन TDS अगर लग जाता है तो शायद बाइनेंस भी हमें बहुत ही जल्द छोड़ना पड़ेगा, डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा, एंड ये हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हो जाए। और अगर ये पॉसिबिलिटी होती है, अगर बाइनेंस ऐप स्टोर प्ले स्टोर के ऊपर आता है, तो डेफिनेटली बाइनेंस ट्वीट करके ज़रूर हमें पहले ही बता देगा, जिससे क्या है कि BNB की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। ये मुझे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि इंडिया में जो ट्रेडर्स हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, अगर ट्रेडर्स मूव होते हैं या फिर थोड़ी सी भी हलचल होती है तो BNB के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर बाइनेंस की कोई भी अपडेट आती है। लेकिन इसी के दौरान क्या है कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जो कॉइन DCX है, उन्होंने OKTO के नाम से इन्होंने एक नया ब्लॉकचेन लॉन्च किया, OKTO के नाम से टोकन भी लॉन्च किया, जिसको हम ऑक्टो भी बोल सकते हैं। तो इनकी बहुत लंबे समय से टेस्टिंग चल रही थी, तो ऑक्टो के नाम से इन्होंने ब्लॉकचेन अभी शुरू करना है। एक्चुअल में इनका मेन चीज़ ये है कि ऑक्टो का वॉलेट ये लेकर आ रहे हैं, तो ऑक्टो इकोसिस्टम ये बना रहे हैं, तो Web3 वॉलेट लेकर आ रहे हैं, डिफाई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर हम खासकर बात करें तो बहुत ही मुश्किल है, अगर हम डिफाई भी खोलना चाहते हैं चलाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो डिफाई के ऊपर भी कंट्रोल कर ले, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो Web3 की पूरी पोटेंशियल को हार्नेस करने जा रहे हैं, यानी कि Web3 को अच्छे तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे, डिफाई को एक्सेस कर पाएंगे, वो भी कॉइन DCX खुद की ऐप के द्वारा। तो ये सब कुछ पॉसिबल होने वाला है, ये कॉइन DCX का खुद का ही है। तो यहाँ पे अब हम मेन और सबसे बड़ी चीज़ की बात करने वाले हैं
क्योंकि हमें सबसे ज्यादा कॉइन अगर किसी भी बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर मिले हैं तो वो शायद नॉट कॉइन के मिले हैं। आपको अगर मिले हैं तो बताना नीचे कमेंट करके कितने आपको कॉइन्स मिले। तो नॉट कॉइन काफ़ी सारे मिले हैं यहाँ पे। अब मुझे ये भी डर लग रहा है कि शायद इसकी वैल्यू भी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि बार बार यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि नॉट कॉइन $1, नॉट कॉइन $5, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वैल्यू ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। और आपको शायद पता होगा ये टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर है। टॉन ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो टॉन अभी 8वें नंबर पे चल रहा है, जिसका मार्केट कैप $24 बिलियन से भी ज़्यादा है, $24.2 बिलियन से भी ज़्यादा है। यही कारण है कि नॉट को भी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे जो फेम मिली है, बहुत ज़्यादा फेम मिला है। फेम की वजह से ही यहाँ पे नॉट कॉइन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। टॉन भी फेमस हुआ था, अभी नॉट भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो नॉट की क्या है कि डायरेक्टली जो लिस्टिंग होने वाली है ये बाइनेंस के ऊपर ही होने वाली है। बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल आया था जो कि 3 दिन का था, लेकिन 3 दिन में इतने ज़्यादा कॉइन्स मिले हैं कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। और ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि पहले भी जब ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं तो वैल्यू बहुत कम होती है। अगर कॉइन्स कम कॉइन्स होते हैं तो डेफिनेटली वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको 2-4 कॉइन्स ही मिलते हैं तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। अभी उल्टा मुझे लग रहा है कि नॉट कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली, मतलब पॉसिबिलिटी ये लग रही है। लेकिन अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हमें मिलते हैं, देन डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा एक मिरेकल होने वाला है कि नॉट कॉइन इतना ज़्यादा चल गया। मुझे लगता है $1 जाएगा, शायद 10 सेंट चला जाए, 20 सेंट चला जाए, डेफिनेटली एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। वरना अगर ये सच में $1, $2 तक जाता है तो वो टोटली अनएक्सपेक्टेड रहेगा। एंड नॉट कॉइन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा एंड डेफिनेटली इसका जो मार्केट कैप है बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही टॉप 100, टॉप 50 में भी आ सकता है। तो इसकी लिस्टिंग की अभी हम इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि नॉट कॉइन की जो लॉन्च पूल की फार्मिंग है वो तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन लिस्टिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था, तो बाइनेंस कस्टमर सपोर्ट टीम ने अभी इन्होंने डेफिनेटली बता दिया, बहुत ही क्लियरली बताया। तो उन्होंने बताया कि 16 मई को 12 बजे UTC के टाइम पर ये लिस्ट करने वाले बाइनेंस के ऊपर। तो लिस्टिंग अभी बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लिस्टिंग होने वाली है, तो सोचा आपको अभी बता देता हूँ। तो लिस्टिंग जैसी होगी, जितना ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगा उसको मत देखना कितना गया है, लिस्टिंग होने के साथ साथ ट्रेड कर लेना, सेल कर लेना, जो भी हो सकता है अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर निकालना। एक्स्ट्रा कॉइन्स बचते हैं उनको थोड़ा सा फ्रैक्शन बचा के रखो, वरना जितने ज़्यादा कॉइन्स हैं इनको सेल भी ज़रूर करना, प्रॉफिट ज़रूर बनाना। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जब बड़ी ब्लॉकचेन के ऊपर कॉइन की हाइप ज़्यादा होती है, वो कॉइन एक ही दिन के लिए चलता है, एक ही दिन के लिए चलने की वजह से क्या है कि उसी दिन जो प्रॉफिट मिल जाता है बस वही फाइनल रह जाता है, बाकी के सारे कॉइन्स वेस्ट में चले जाते हैं। तो ये प्रॉफिट बुक ज़रूर करना। एंड हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड को। एंड मैंने वहाँ पे एक लिंक भी डाला हुआ है हमारे व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप चैनल पहले नहीं था या फिर पहले एक्टिव नहीं था, अभी वो एक्टिव होने वाला। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको अपडेट्स मिलने वाली हैं, वहाँ पे मैसेजेस की तरह आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। व्हाट्सएप आप सारा दिन चलाते हो तो वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाया करेगी क्रिप्टो की। तो कोई डाउट है नीचे कमेंट करो, एंड प्लीज़ वॉल्फ ट्रेड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।